दावेदारी तो इलियास है फिलहाल। अच्छा, टिकट टिकट मिलेगा और वोट इलियास को ही देंगे। ओके, चाहे टिकट कायलो मिले क्या कायलो क्या बन गए करे सारे बीच या एक बोए मरी जब जंग जूता लगे सुरेन के पीटे कुटे कांग्रेस आओगी भाई हम तो चुनेंगे बीजेपी। या बात है तो पहले करे लोग सुबान का कीजिए मेरी टिकट लाया आज अरे ऐसा मतलब असले तो बड़े हाथ के कांग्रेस को वो देर ना जावे आपस की चिड़ रहे इनकी पर ऐसा सुना घबरा हम पर ऐसा लंसु घबराएंगे कम जो 10 सालों में बीजेपी ने क्या कराया कुछ भी काम नहीं कराया इस लड़ाई के साथ भाईचारा खत्म किया उसने हम तो भैया कट्टर बीजेपी है। अच्छा क्या ना? तो फाइनली हम आ पहुंचे हैं पुनाना विधानसभा में और खुद पुनाना कस्बे के अंदर हम यहां बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानियों के बाद हम यहां तक आकर पहुंचे हैं और पुनाना विधानसभा के अंदर फिलहाल जो चुनाव का माहौल है क्या यहां चुनावी माहौल है लोगों के यहां बेसिक मुद्दे क्या होने वाले हैं किन मुद्दों पर यहां वोट डालने जा रहे हैं। सिकराव गांव। सिकराव गांव जी। तो फिलहाल आपको बताया कि चुनाव का वक्त है तो चुनावी माहौल कैसा है? माहौल बढ़िया है। चुनाव का माहौल अच्छा है लेकिन लोग बार ज्यादा किसे विधायक देखने? विधायक तो ऐसा है जी सिस्टम तो देखो अलग अलग है जो भी है अब जहाँ सिस्टम जो भी है अब और भाई भी हैं मतलब ये कि जैसे क्या नाम है यहाँ पे तो रही सका ही ज्यादा मामला चल रहा है फिलहाल। तो कांग्रेस का टिकट तो ये अपना यही जाएगा या ना क्या नाम सलीम को सलीम लोहिंगा। लोहिंगा 5 सालों के अंदर काम कैसा रहा अपना? पाँच सालों के अंदर बढ़िया है काम अब कोई दिक्कत ना फिलहाल तो यही है चल रहा है। यहाँ से आकर गुजरे हैं जहाँ तक हमने देखा है कि हालत बहुत बुरी है और पुराने कस्बा की तो लंबी पहले से ही चल रही कहानी तो जो किसे आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो देखो अब ये तो देखो अब नाम क्या ले सभी जिम्मेदार सभी विधायक हैं जो आते गए वही जिम्मेदार हैं किसी ने भी कोशिश नहीं की इस हालत को। ऐसा है ना जिम्मेदार तो है जो कहकर चला जाता है वही जिम्मेदार है अब फिलहाल तो जो सब अलग अलग कर काम कर देते हैं तो सबका ही अलग हो जाता है। अब काम तो वो है जो आदमी खुद करके दिखाए अब जो भी कोई चुनाव के अंदर आएगा सामने खड़ा है वो कहेगा भाई हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा वो अपनी अपनी वो हो जाती है ना सर ये है ना बात तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं? वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं बाकी कोई काम की ऐसा है अपना दिल करे तो कोई किसी ने कोई ठीक ठाक आदमी हो तो करवा दिया नहीं वैसे तो अभी तो मामलो ऐसे ही लोग तो हैं लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ बात करने को राजी नहीं क्योंकि लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ से टिकट डिक्लेयर हो जाए कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर हो जाए तो इसके बाद ही वो डिसाइड कर पाएंगे कि किसे वो वोट डालने जाएंगे किसे यहाँ से विधायक देखने जा रहे हैं। चलते चलते हम यहाँ आ पहुँचे हैं कुछ नौजवान हमें यहाँ मिले हैं और कुछ लोग हमें रास्ते में मिले थे लेकिन ज़्यादातर कुछ बात नहीं करना चाहते थे ओपनली अपना ओपिनियन वो नहीं रखना चाह रहे थे लेकिन कुछ नौजवान हैं उनसे बात करेंगे कि वो फिलहाल यहाँ से किन मुद्दों पर वोट डालने जाएंगे और क्या कुछ चुनावी माहौल और हालात को देख रहे हैं और कैसे हैं दोस्त? बढ़िया सर। अच्छा फिलहाल ये बताओ चुनावी माहौल कैसा है? कांग्रेस का है सर वोट तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा हाँ कांग्रेस का अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है ना जी। तो क्या लग रहा है आपको? दावेदारी तो इलियास है फिलहाल। अच्छा टिकट टिकट अच्छा। मिलेगा और वोट इलियास को ही देंगे टिकट की रेस में अभी इलियास आगे हैं आपको हाँ। लगता है ऐसा है ना जी। तो नौजवानों के लिए इस बार पुनाना विधानसभा से चुनावी मुद्दे क्या होंगे? यही है कि हमें तो थोड़ी तरक्की मिल जाए ये सड़क वगैरह है थोड़ी फैसिलिटी मिल जाए यही बस हमारी तरफ से तो बस। अच्छा जो ये 5 साल का कार्यकाल गुजरा है ना यहाँ से इलियास साहब जो है वो कांग्रेस के विधायक रहे है ना तो उनका कार्यकाल कैसा रहा क्या कुछ उनके कार्यकाल में विकास हुआ? सर सरकार तो आई नहीं थी किसी की भी बाकी MLA था जो जीता हुआ था इलियास बाकी कोई तरक्की अभी फिलहाल हुई नहीं। नहीं लेकिन देखिए सरकार नहीं है लेकिन जो फंड आता है ना एक विधानसभा के लिए वो फंड सरकार की तरफ से दिया जाता है चाहे सरकार किसी की भी हो तो उसके हिसाब से कुछ काम हुआ कुछ भी सड़कों पर रास्तों भी काम पर, नहीं हुआ सर आप देख सकते हैं आप आपके सामने ये देख सकते हैं आप खुद कस्बे की भी बहुत ज्यादा बुरी हालत है लेकिन फिलहाल जो माहौल चल रहा है आपको उस माहौल से क्या लग रहा है कि लोगों में किसका रुझान ज्यादा बढ़ता जा रहा है? रुझान सर फिलहाल तो कांग्रेस का ही है और जैसे कांग्रेस का टिकट मिलता है तो कांग्रेस की वोट डालेंगे ठीक है। और भी दोस्त हमारे साथ हैं उनसे भी बात करेंगे। अच्छा फिलहाल ना मैं सिर्फ आपसे छोटी सी बात जानना चाह रहा हूँ कि फिलहाल रुझान कैसा चुनावों का यहाँ? बहुत अच्छा माहौल और अच्छा रुझान है हमारे यहाँ पे। आप किसे विधायक देखना चाह रहे हैं? हम इलियास मंत्री को ही देंगे भाई। इलियास मंत्री को ही वोट देने वाले हैं अगर उन्हें टिकट मिले या ना मिले? हाँ। अच्छा आप बताओ फिलहाल चुनावी माहौल क्या है?
चुनाव माहौल भाई माहौल यूँ है, अल्लाह ने चाही तो इलियास मंत्री ही जीतेगो, और अल्लाह ने चाही इलियास मंत्री कम से कम बता रहा हूँ 20,000 वोटन से यूँ जीतेगो। और कांग्रेस सही बात यू है, कांग्रेस को टिकट जालू मिलेगो, अल्लाह ने चाही तो टिकट निकालने की कोशिश करेंगा और कांग्रेस की भी वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे आप जी? अगर जैसे इलियास मंत्री को अगर नहीं मिल पाया टिकट तो नहीं, फिर जो कांग्रेस के टिकट जिसको मिलेगा ना तो अल्लाह उसके साथ रहेंगे, उस टिकट को निकालेंगे। अच्छा, कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार ना उभर कर सामने आए हैं ना, और वो कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है इस रेस में कौन आगे? नहीं, इलियास मंत्री ही आगे। इलियास मंत्री को आप इसलिए आगे समझ रहे हैं क्योंकि वो मौजूदा विधायक है ना? अच्छा, आपको लगता है कि जो इस साल का और इस बार का जो चुनावी मुद्दा है या चुनावी माहौल है वो और जो पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए उनसे कहीं अलग है इस बार के इलेक्शन? हाँ हाँ, अब के बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि आप जानते हो बीजेपी सरकार में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे कि हमारे जो छोटे मोटे काम हुए हैं जो भी हुआ है नुकसान बहुत ज्यादा हुआ बीजेपी सरकार में। और जो है ना एक भावी कैंडिडेट है रहीसा खान, है ना, उनकी भी चर्चा काफी ज्यादा है। नहीं, ठीक है। हाँ, उनकी चर्चा काफी ज्यादा है तो उन्हें किस तरह देखते हैं आप? नहीं सुनो, रहीसा ठीक है, अपनी जगह ठीक है वो भी, लेकिन वो कांग्रेस की जगह नहीं आ सकते ना, कांग्रेस में आने की उनकी कोई ना, और जब कांग्रेस में ना है तो तुवा को तो कोई कोई कहा भाई। इससे पहले जब वो विधायक रहे आपको लगता है कि जब वो विधायक थे कई काम उनकी तरफ से ऐसे हुए जिनकी वजह से उनकी छवि पर असर पड़ा और जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है कहीं ना कहीं वो डाउन होता हुआ नजर आया? जैसे कि अब हमारे साहिब हत्याकांड हुआ था तो अनाज मंडी में ना 14 या 15 दिन उस बेचारे की लाश पड़ी रही थी। अच्छा, तो पूरी मतलब मेवात की सरदारी जितने भी बेचारे जैसे सोना से विधायक है जावेद है, अपने नूह से है, पुनाने से है, जितने भी इनकी सरदारी है ना, तो सब अपने अनाज मंडी में आराम से बैठते थे, लेकिन ये बंदा एक ऐसा है मंडी में एक कदम नहीं रखा इसने। अच्छा, इन्हीं की वजह से उसकी बेचारे की 14 या 15 दिन तक लाश यूं ही पड़ी रही थी, तो ये एक बार भी कदम इसने ये नहीं रखा कि भाई कैसा मामला कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा, उस बेचारे को ऐसे ही मिट्टी लग गई। अगर ये चाहते ना भाई तो हम इंसाफ भी मिलते, और जिस उस साहिब को मारा था ना जिसने, उनको सालेन को जेल भी होती अगर ये चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सेदार था। अगर ये चाहते हैं भाई तो थोड़ा बहुत वहां में कुछ ना कुछ तो मिलते ही मिलते, अगर ये चाहते तो उन्हें सजा दी जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल हम एक तरफ से पुनाना के एक तरफ से बाजार के अंदर आप पहुंचे हैं, यहाँ कुछ बुजुर्ग हमें मिले हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि फिलहाल चुनावी माहौल कैसा है, क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं। और कैसे बाबा? मैं ठीक है भाई, ठीक फिलहाल। अच्छा, तो आप ये बताओ फिलहाल चुनावी माहौल कैसा है यहाँ पे? बढ़िया कर रहा हूँ। अच्छा, फिलहाल आप विधायक कैसे देखना चाह रहे हो? विधायक टिकट मिलेगा? हाँ, टिकट मिले को वक्त बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि किस लू देनी है वोट? कांग्रेस की दोगे चाहे टिकट कायलू मिले? अच्छा, कहा वजह आया कि क्या आप कांग्रेस के इतने पब्लिक को मूड बनो पड़ो आपके? अच्छा अच्छा, कहा लग रही है कि टिकट किस लू मिल सके? अच्छा, जो पहले विधायक रहे उनने कुछ काम करायो? खूब काम करा, अपने वोट बढ़ाई है, वोट बढ़ाई है, काम वाम ना कराए कुछ ना कराए? अच्छा, जैसे अभी 5 साल इलियास रहो हो तो वाने कुछ करायो 5 साल में? हमारे नजर में ना कराया, ना करायो कुछ भी? अच्छा, कौन से गांव से हो साहब? बाबा पेमे से हो, और कैसे हो बाबा? जैसे बतला रहे बस ऐसे ही तो बोले, कौन से गाँव से हो आप? मेरे गाँव घेड़ा। अच्छा, फिलहाल आप कैसे विधायक चुन रहे हो? एमएलए विधायक तो भाई अभी तो कोई ऐसे वो तो है ना, अभी फैसलो भाई ना इसमें ज्यादातर विधायक चुनने के लिए, अब जैसे भी कांग्रेस को ही देंगे वोट ज्यादातर, कांग्रेस को वोट दोगे अभी जब तक टिकट डिक्लेयर ना हो जाए? जब तक हाँ, जब तक अभी डिसाइड ना कर सको? हाँ, जब तक ना कर सको। आप कैसे लग रही है कि कांग्रेस हमारे लिए अच्छी पार्टी होगी? कांग्रेस पार्टी तो अच्छी तो अब ढाल ये ना, तो अच्छी तो ये भी नहीं, लेकिन जो बीजेपी है उससे कहीं ना कहीं ठीक है। हाँ, अब तो ठीक है, जब इनके जूता खूब लगे सुरेंद्र के ना तो ठीक तो ये भी ना है। अच्छा, हम तो इन नहीं करे सारे ओंधे। अच्छा,
अच्छा कांग्रेस ने, कांग्रेस नहीं करे सारे बीजेपी एक बोए मतलब जब जंग जूता लगे सुरेन के पीटे कुटे कहीं जेल पेलन में जब जब सुरे बिल में घुसे अपनी अब रणनीति बदली और राजनीति हारे ने बदली सुरेन। अच्छा जब कोई 10 साल भूखे प्यास सारे ढोले पिटते कुटते जूता न खाते। अच्छा सरकार बदलते देखना चाह रहे हैं। हाँ ना सरकार बदलनी भी चाहिए और बदलने से हर आदमी के। और अंकल जी आप बोलोगे कुछ क्या फिलहाल चुनावी माहौल के बारे में? क्या कांग्रेस होगी भाई? कांग्रेस होगी। क्या नाम है आपका? मेरा कप्तान नाम है। कहाँ से? हरियाणा झज्जर से। झज्जर साइड फिलहाल कैसा चुनावी माहौल है? कुलदीप बोस का बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छी वोटों से जीतेगा। अच्छा लग रहा है कि आपको इस बार जैसा चुनावी माहौल बना हुआ है, चाहे यहाँ की बात करूँ चाहे झज्जर साइड की बात करूँ, उससे लगता है कि सरकार बदल पाएगी? बदलेगी सरकार भाई, कांग्रेस सरकार आओगी। अच्छा भाई सुनने को तो ये भी सुन रहे हैं कि भाई रईसा ले जा सकता है रईसा। हम तो टिकट को चुनेंगे भाई। कौन सा टिकट? बीजेपी है या फिर क्या नाम है कांग्रेस है। इन दोनों में से किसे चुनोगे आप? हम तो चुनेंगे बीजेपी। बीजेपी चुनोगे आप? अच्छा बीजेपी में ठीक है। बीजेपी के यहाँ से विधायक कौन होंगे सर? इस सिस्टम के बारे तो मुझे नहीं पता भी। अच्छा, क्या नाम है वैसे आपका? गोविंद सर। गोविंद। अच्छा यही से ही आप पुनाना से? हाँ जी पुनाना से। अच्छा भाई आपको जो रुझान है ना कांग्रेस के भाई, कांग्रेस की तरफ अब रुझान है? अभी यहाँ से पुनाना विधानसभा से टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है ना? हाँ। और ये ना बड़ी कश्मकश है इसमें, क्योंकि कई ऐसे नए चेहरे हैं जो पहली बार जो है एक पॉलिटिक्स में कदम जमाने जा रहे हैं, अभी इसलिए थोड़ा अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं लोग। एक तरफ जैसा होता है कि उसे मिल सकता है ना, अभी एक तरह से जो है ना श्योरिटी नहीं है कि वो टिकट मिल पाएगा उसे। लेकिन क्या लगता है कि टिकट की रेस में कौन आ गया पुनाना विधानसभा से? भैया तो हम बिना कह सके कौन है। अच्छा अभी आप भी नहीं अंदाजा लगा पाए? अंदाजा कैसे लगा लेंगे आप? बात तो पहले कह रहे सुबह का कीजिए मेरी टिकट। अच्छा, फिर कहीं और कीजिए में निकलो पहले। अच्छा अच्छा अभी अंदाजा हम ना लगा सके ना। लेकिन बहुत से लोग जैसे मैंने अभी बात की कुछ लोगों से, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने कहा कि इस बार यहाँ से जो पूर्व विधायक रह चुके रईसा खान का भी कहीं ना कहीं प्रभाव है। हाँ है। अच्छा कितना प्रभाव है और क्या लगता है उनके बारे में? हम तो सच बताए हम तो भैया कट्टर बीजेपी। अच्छा क्या नाम है? अरे हम ये चुनावी सर्वे करते करते फिनंगवा रोड की तरफ से हमने बाजार में जाने की कोशिश की, कुछ लोगों से बात की। ज़्यादा बाजार में जाना कई कारणों से हमारे लिए ठीक नहीं था, ज़्यादा भीड़ थी और कई और वजह थी जिस वजह से हम ज़्यादा अंदर बाजार में नहीं जा सके। और फिलहाल हम इसके बाद आप पहुँचे यहाँ जुरहरा रोड है यहाँ, और यहाँ होडल रोड है, यहाँ हम इस चौक पर आकर पहुँचे हैं। यहाँ लोगों से जानेंगे, बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनके यहाँ चुनावी मुद्दे क्या हैं और क्या इस बार उनकी चुनावी राय है। अच्छा तो इस बार फिलहाल क्या लग रहा है कि आप विधायक किसे देखना चाह रहे हो? रईसा विधायक देखना चाह रहे हो? हाँ। लेकिन देखिए आप विधायक चुनना जा रहे हैं इस बार रईसा को, है ना? हाँ। तो उन पर कई तरह के इल्जाम भी लोग लगा रहे हैं ना, बहुत से हमने लोगों से बात की पीछे तो वो कई इल्जाम उन पर लगा रहे थे। लोग कह रहे थे कि जैसे साहिब हत्याकांड हुआ उनमें उन्होंने लोगों के साथ ज्यादती की, इंसाफ नहीं मिलने दिया। और ना, जो ऐसा ना कुछ वहाँ ने सही बात करी है, वो तो चिढ़ने वाली बात रहे जी आपस में। अच्छा कुछ ना तो वो कांग्रेस को ज्यादातर लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं? सपोर्ट तो देखिए आपस की चिड़नी करवावे ने सपोर्ट असली तो बड़े हक देख कांग्रेस को असली तो। अच्छा आप गांव के पीछे? गांव के पीछे थोड़ी है आप, क्या वोट है आपका अधिकार है जो गांव? आप एक आजाद मुल्क में है और आप आजाद हैं। हम तो आजाद है, वैसे जो गांव जिसको एक तरफा होएगा वहां में ही रहेंगे। अच्छा अभी तो आप कह रहे थे कि हम विधायक रईसा को चुनने जा रहे हैं चाहे वो आजाद रहे, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि वोट तो कांग्रेस को ही देना चाहिए। अब ये तो ना देने में क्या चल रहा है, मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपके दिमाग में। वो देर ना देवे आपस की चिड़ रहे इनकी तो प्रेशर की वजह से आप वोट डालते पर ऐसा सुना घबरा हम पर ऐसा घबराएंगे कम। अच्छा बीजेपी सरकार कैसी है वैसे आपके हिसाब से? बढ़िया सरकार तो ना, पर कार्यकर्ता बढ़िया ना आया, कार्यकर्ता बढ़िया ना आया। अच्छा कौन बढ़िया है फिर बीजेपी पार्टी में? कांग्रेस बढ़िया है। नहीं कांग्रेस तो दूसरी पार्टी है, बीजेपी अलग पार्टी है। अच्छा नरेंद्र मोदी कैसे लीडर है, प्रधानमंत्री कैसे हैं हिंदुस्तान के? प्रधानमंत्री तो बढ़िया बढ़िया खूब बढ़िया ना प्रकाश।
लोग ज़्यादा बात करने के लिए तैयार नहीं हैं और इसकी वजह क्या है यह हम नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोगों से बात कर पाएं, जुड़ पाएं। और ये बताओ चुनाव का माहौल क्या चल रहा है, बोलना चाहोगे कुछ कैमरे के? अरे भाई हम ना बोल, कैमरा चुनाव का माहौल ठीक चल रहा है। अच्छा आप बोलोगे? फिलहाल किसे विधायक देख रहे हैं? रही सही जीतेगा। अच्छा ये कंफर्म है? कंफर्म। क्यों लगता है ऐसा, क्या उनकी नीतियां, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? काम सही करवावे बस यही। अच्छा तो पहला कार्यकाल तो उसमें अच्छा काम। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ कहाँ से हैं? नहीं। अच्छा नहीं से हो आप जी। अच्छा फिलहाल चुनावी माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया जी। अच्छा फिलहाल विधायक किसे चुनने जा रहे हो? कांग्रेस पार्टी को जी। अच्छा अभी कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है? किसी को भी हो जाए, हम कांग्रेस पार्टी का आदमी। अच्छा अभी जब टिकट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें वोट किसे डालना है? कांग्रेस टिकट जी, मतलब कोई भी एमएलए कोई भी ला सकता है, उसी को वोट देंगे हम कांग्रेस। अभी पुनाना से कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है और ना ही बीजेपी का टिकट डिक्लेयर हुआ है, लेकिन क्या लगता है टिकट की रेस में कौन आ गया है इस बार? जी इलियास है जी। अच्छा इलियास है। इलियास के अलावा अगर किसी दूसरे कैंडिडेट को कांग्रेस का टिकट मिला तो फिर भी आप कांग्रेस के वोट देंगे जी? अच्छा आपके वैसे इस बार मुद्दे क्या होंगे कि हम इन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे? अरे जी मुद्दे क्या जी है, बिजली पानी स्कूल कोई भी कॉलेज अच्छी बात के लिए। बीजेपी से खुश नहीं? नहीं बीजेपी से खुश नहीं है, लड़ाई से भाईचारा खत्म कर दी इसने तो। अच्छा जो 10 सालों में बीजेपी ने क्या कराया, कुछ भी काम नहीं कराया, बस लड़ाई फसाद भाईचारा खत्म किया उसने और बेटा क्या काम करा। अच्छा जैसे विकास की बात करें, विकास नहीं है, विकास यहाँ कोई काम नहीं करा। विकास देख ले विकास क्या काम विकास है, जो रास्ते हैं रास्ते सटे से टूटे पड़े हैं काफी लंबे वक्त से, जो ये रास्ता है जहाँ हम खड़े हैं, ये जो रास्ता है पुनाना से होटल की तरफ जाने वाला ये रास्ता है और इसकी जो हालत है लंबे वक्त से इसकी हालत बद से बदतर है। आज तक के इस रोड की और इस सड़क की आवाज किसी विधायक और किसी लीडर के कानों तक नहीं पहुंची और अनफॉर्चुनेटली अभी तक कहीं ना कहीं हमें जो यहाँ के ऐसे इश्यूज हैं वो लोगों के अभी मुद्दे यहाँ से सामने नहीं आए हैं। और भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है दोस्त आपका? नरेश। कहाँ से? पुनाने से। अच्छा क्या लग रहा है आपको इस बार, कौन विधायक बनने वाला है पुनाने से? भाई यही सही दिख रहा हूँ।